हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रन थ्रू ऑफ चैप्टर 4. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम. सम हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी विल चेंज इन लाइक फ्रैक्शन. यहाँ पे डेसिमल है, सो वी विल चेंज इन लाइक डेसिमल. आफ्टर दैट वी विल एड द नंबर्स. लेट्स सी, चेंजिंग इन लाइक डेसिमल प्लेसेस. ये सभी में आप तीनों में नोट करोगे. जैसे फर्स्ट है ये, इसमें चेंज कर कैसे करेंगे, ये है 13.07 और ये है 19.6. यहाँ पे डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में टू डिजिट है, यहाँ पे वन डिजिट है. सो दोनों सेम होनी चाहिए. 19.6 कैन बी रिटन एज 19.60. ओके, अब दोनों को ऐड करेंगे. 13.07, 19.60. अगर आप हॉरिजेंटली कर सकते हैं ऐड तो वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये कॉलम में भी कर सकते हैं. देन बी पार्ट में ये 706, ये 07 है. यहाँ पे टू डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद थ्री डिजिट है. सो 513.07 कैन बी रिटन एज 513.070. अब इसको ऐड करेंगे. 212.706, 513.070, 677.527. नाउ सी पार्ट, यहाँ पे डेसिमल के बाद थ्री डिजिट है, इधर वन डिजिट, इधर टू डिजिट. सो हम थ्री डिजिट में चेंज करेंगे. 17.9 कैन बी रिटन एज 17.900. 118.57 कैन बी रिटन एज 118.570. अब इनको जब ऐड करेंगे तो 111.057. डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ये चीज ध्यान होनी चाहिए. 17.900, 118.570. ऐड करते हैं 7, 12 टू वन कैरी 15, 7 देन 4, 2, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व. ये हमें सोल्व करना है. सो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए जब आप इसमें चेक करेंगे तो मोस्ट ऑफ द डेसिमल है, जो डेसिमल नंबर वो सेम ही मिलेंगे, नहीं है तो पहले उनको सेम वैसे कर लेंगे हम अपने आप से. अब ये 35.07, ये है 16.9. 35.07 माइनस 16.90, यहाँ पे हमने जीरो नोट कर लिया. अब इसमें से माइनस करते हैं. 7 माइनस 0 7, 10 माइनस 9 1, 14 माइनस 6 8, देन 1, 18.17. देन बी पार्ट में देखिए, ये दोनों हमारे पास सेम साइन है. जो सेम साइन होते हैं पहले हम वो नंबर को ऐड कर लेते हैं. 18.57 इन दोनों नंबर को पहले हम ऐड करेंगे. ओके, ये ध्यान रखिए, जब भी सेम साइन होते हैं पहले वो नंबर को ऐड कर लेते हैं हम. 7 प्लस 6 13, देन 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8. अब इसको माइनस कर लेंगे, जो साइन यहाँ पे था वो साइन यहाँ पे नोट कर दिया. 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 8 0 1, 10.54. देन थर्ड में देखिए, इसको रीअरेंज करना होगा क्योंकि इसमें ये और ये नंबर, ये दोनों ऐड में हैं, तो पहले इनको हम एक साथ कर लेते हैं. 12.05 प्लस 2.90
देन माइनस 11.75 माइनस 0.08। अब हमारे पास सेम साइन नंबर्स एक साथ हो गए, अब इनको ऐड कर लेते हैं और जो साइन होगा वो साइन सामने नोट कर देंगे हम। 5 + 0 5, 9 + 0 9, 2 + 2 4 1, माइनस इन दोनों को भी ऐड करना है और साइन माइनस का लगाना है इसलिए मैंने माइनस नोट कर दिया है। 8 + 5 13, 7 + 1 8, देन 1 1। अब इनको माइनस कर देंगे, 5 - 3 2, 9 - 8 1 14 - 11 3 3.12। ओके, ये चीज ध्यान रखिए, इनको हम ऐसे सोल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो देखिए, जब भी हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो डेसिमल नंबर्स में, सो पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद डेसिमल पुट करते हैं। कैसे, अगर इस नंबर को आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको विदाउट डेसिमल जब नोट करूंगी तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये नंबर बनेगा, यानी 100 × 1 है ये, तो 100 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। अब डिजिट आपको देखनी है कि कितने डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट करेंगे, तो ये डेसिमल जब हम पुट करेंगे तो कितने, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद 1 2 3, यानी यहां पे डेसिमल आ जाएगा ये। ओके, और 0.100 है तो 0.1 ये आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, ये सिर्फ बताने के लिए था, आपको एक्चुअल में ये नहीं करना होता है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, 29.8 × 56, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नॉर्मली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 167384 ये आंसर आएगा। फिर आपको डेसिमल पुट करनी है आफ्टर हाउ मेनी डिजिट, ये चेक कर लेते हैं। आपको राइट हैंड साइड से देखना होता है 1 2, क्योंकि ये एक नंबर है इसमें डेसिमल लगी है 1 2 डिजिट के बाद 1 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1673.84। देन सी पार्ट, सी पार्ट में देखिए 17.89 × 0.001, अब ये 1 है, इस नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, सेम नंबर आएगा 1789। आपको कितने डेसिमल के बाद डिजिट डेसिमल लगानी है वो हमें चेक करना है। सो उसके लिए देखिए 1 2 3, 3 डिजिट यहाँ पे है और 2 डिजिट यहाँ पे है, तो टोटल कितनी होगी, 5 डिजिट। 5 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पुट करना है, 1 2 3 4, एक जीरो लगा लेंगे देन डेसिमल। ओके, इसमें देखते हैं 1 × 1 है तो 1 ही आएगा आंसर हमारे पास, कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट के बाद डेसिमल होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। ओके, आप इसको थोड़ा उधर की साइड नोट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्वोशेंट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी हमें डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के लिए अब आपके पास देखिए 23.46 है, इसका हम डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। इसमें डायरेक्ट वे भी होता है कि अगर आपके पास 100 हो 1000 हो तो हम कैसे करते हैं, वो भी बता दूंगी मैं आपको, और एक बार ये वाला मेथड भी देख लेते हैं। डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या होगा, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 100 आ जाएगा, डेसिमल रिमूव करेंगे तो। डिवाइड बाय ये क्या है, 100, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 ले लेते हैं, और डिवाइड का रूल हमारे पास क्या होता है, डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ नंबर दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ डिवाइड साइन। 23.46 डिवाइड बाय 100 इनटू 1 बाय 100, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये क्या आया, 2346 डिवाइड बाय 10000। अब जब डेसिमल पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो जितनी जीरो है हमारे पास उतनी डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। 1 2 3 4 0 है तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आएगा 0.2346। ओके, और जो दूसरा तरीका है वो हमारे पास क्या होता है, 23.46 डिवाइड बाय 100। अब ये क्या होता है कि क्वेश्चन ये मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू में आते हैं इस टाइप के,
तो हम डायरेक्ट इसको इतना लेंदी नहीं करेंगे, फिर हमें पता होना चाहिए कि जब हम डिवाइड करते हैं जो डेसिमल प्लेस है वो शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, जितनी जीरो होती है, अगर ये 10 हो, 100 हो, 1000, 10,000 इस टाइप से हो तो। ओके, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये 20 है, तो 20 शिफ्ट कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, ये डेसिमल यहाँ पे है, इसको हम 1, 2, तो ये 2 डिजिट के बाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.2346। डायरेक्ट हम इसको ऐसे करते हैं। ओके, तो एमसीक्यू में आप ऐसे ध्यान रखिए, अदरवाइज आप नहीं समझ आ रहा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें जैसे हम डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट करनी है हमें 1, 2, 3 डिजिट, 0.1 हमने नोट किया, 3 डिजिट शिफ्ट करनी है तो 30 लगा लेते हैं, 1, 2, 3, अब यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अदरवाइज पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय 100 हो गया, डिवाइड बाय 1000 बाय 1 रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई में चेंज करके, इसको जब हम करेंगे तो डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, जब डेसिमल पुट करेंगे तो 5 डिजिट के बाद होना चाहिए 1, 2, 3, ये ऑलरेडी हमारे पास है 4, 5, तो यहां पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ये 0 आएगा, सॉरी ये 0 आएगा, तो 0.0001 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन इसमें करते हैं तो इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डेसिमल को जब रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय 100 आ गया, डिवाइड बाय 8 करना है तो 8/1 किया, 27972 डिवाइड बाय 100 इंटू 1/8। अब इसको आप डायरेक्ट कट कर सकते हो 8 से, 8 1 जा, जन 8 3 जा, 8 4 जा, 8 9 जा, 8 6 जा, ये पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है, तो आप इसको पहले 4 से करते हैं हम, 4 2 जा 8, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे। सो इसको हम डिवाइड करके फिर 2 डिजिट के बाद लगाना है हमें, तो क्या करेंगे, ये डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, देन अब डेसिमल लगाना पड़ेगा आपको, डेसिमल 0.5 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय क्या है 100। अब आपको डेसिमल लगानी है तो 2 डिजिट इधर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी, 34.965, दिस इज आर आंसर। देन लास्ट पार्ट में देखिए, डेसिमल पहले हम रिमूव कर लेते हैं, 184 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 46 डिवाइड बाय 1, 115184 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1/46। अब इसको कट कर लेते हैं हम, 2 2 जा 2 3 जा, 2 5 जा 2 7 जा 2 5 जा 2 9 जा 2 2 जा, अभी 23 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, इससे डिवाइड करके और फिर 3 डिजिट के बाद डेसिमल हमें पुट करना है। सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2504 डिवाइड बाय 1000, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 2.504, दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ए पार्ट इज, इसको हमें सॉल्व करना है तो पहले हम जो ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, 35.52 डिवाइड बाय 7 5 जा 35 प्लस 2 37/5,
ऑफ 3.2 इंटू 0.5 35.52 एक काम और कर सकते हो आप कि ये जो ब्रैकेट है इसको हम सोल्व कर लेते हैं साथ साथ में, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 +1 16, अब हमें डेसिमल पुट करना है आफ्टर 1 2 डिजिट, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1.6। अब ये हमारे पास क्या आएगा 5 7 35, देन 2 रिमाइंडर 5 4 20 ऑफ 1.60। अब हमारे पास एक ऑफ है और एक डिवाइड है, तो जब हम बोर्ड मास फॉर्मूला देखते हैं BODMAS, तो ये पहले क्या है ब्रैकेट है और ये ऑफ होता है, देन उसके बाद डिवाइड है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 35.52 डिवाइड बाय 4.7.4 इंटू 1.60। ओके सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दीज, क्योंकि ये ऑफ के लिए था, 35.52 डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन हंड्रेड एटीन। अब डेसिमल हमें पुट करनी है वन, यहां पे कितनी डिजिट के बाद, अब देखो ये एक जीरो भी था तो जीरो और नोट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 16 को इससे किया था मल्टीप्लाई और जीरो ये बाद में आ गई, 1 2 3, थ्री डिजिट के बाद 1 2 3। अब डेसिमल के बाद ये डिजिट है, नंबर लास्ट में है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब इसको डिवाइड करेंगे हम 35.52, डेसिमल रिमूव कर लेते हैं इसकी, डिवाइड बाय 100, यहाँ पे 184, यहाँ पे डिवाइड बाय 100, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है नहीं, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये 3 से चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया 3। नाउ बी पार्ट देखिए, अब इसमें अगर हम इसको पहले इम्प्रोपर में चेंज करके तब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तब भी सेम आंसर आता है, इसको हम कैसे करेंगे, 7 ही हमारे पास ऑलरेडी है तो 7 पॉइंट, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 को किया तो 6, नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट आप उसी से करिए 38/5, तो 5 7 35, देन वो 3 रिमाइंडर 3, आफ्टर दैट 10 लेंगे 6, सेम आंसर आएगा, प्लस 7.6 ऑफ 1.5 इंटू 11.8 माइनस 7.6 माइनस 7.6 माइनस, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 7.6 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम ये लीनियर ब्रैकेट होता है तो ये लाइन वाला ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट स्मॉलर ब्रैकेट देन कर्ली देन ये स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, तो 0.3 है ये प्लस 2 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0.0 कर लेते हैं हम इसको, जब इसको 0 कर लेंगे तो ये क्या आंसर आएगा 2.3। ओके और लीनियर ब्रैकेट यहां से रिमूव हो गया। अब आगे 7.6 प्लस 7.6 ऑफ को भी सॉल्व करना है हमें, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर ऑफ है ये, तो इंटू 1.5 इंटू 11.8। अगर आप ये सोचो कि नहीं हम बाद में करेंगे तो बहुत ज्यादा स्टेप हो जाएंगे फिर, माइनस 7.6 माइनस 7.6 माइनस 7.6। अब देखिए ये सॉल्व कर लेते हैं, 7.6 माइनस 2.3, ये हमारे पास क्या आएगा 5.3, और ये सॉल्व हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेसिमल लगेगी आफ्टर टू डिजिट 1 2, तो ये आ गया 11.50। इंटू 11.8 माइनस 4 आएगा हमारे पास, माइनस ये करेंगे तो 7.6 माइनस, अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा 2.3। देन अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, 19.0 आया ये, यहां पे जो जीरो थी वो मैंने रिमूव कर दी क्योंकि डेसिमल में ये लास्ट में है और अगर लास्ट में होती है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये 19.0 यानी ये क्या आ गया हमारे पास, 19 आ गया। ओके, इंटू 11.8, अब यहां पे क्या आएगा ये माइनस 7.6 माइनस 2.3 5.3। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे इनको और फिर माइनस करेंगे, ये हमारे पास आएगा 224.2 माइनस 5.3। अब जो मल्टीप्लाई हमने किया है ये 19 × 8 ऐसे करके, ये पूरा ये तो मल्टीप्लाई किया है नॉर्मली हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, ये आंसर आया माइनस 5.3 करना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 9.8 1 2 218.9, ये हमारा आंसर आ गया इसमें। नाउ सी पार्ट देखिए, 2/3 ऑफ, इसको पहले चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4.333। ये 3 3 ये ऐसे आता रहेगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, रिपीटिंग है। प्लस 13.7 माइनस 9.257, ये दोनों नंबर ऐड करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 3 3 देन 7 + 3 10 4 + 3 7 + 1 8 1 माइनस 9.257। 2/3 ऑफ 13 माइनस 7 तो ये 6 आएगा हमारे पास, 6 देन 12 माइनस 5 7 9 माइनस 2 8 पॉइंट 17 है ये, तो ये 8 आ गया। ब्रैकेट इसका हटा देते हैं हम क्योंकि ये हमने सॉल्व कर दिया है। 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 8.876, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय 3 और डेसिमल हमें पुट करनी है 1 2 3 डिजिट के बाद। अब इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ये ऐसे करेंगे तो आगे ये रिपीट होता जाएगा, तो इसमें जितना भी आपको आंसर लेना है उसके अकॉर्डिंग अपना ले लीजिए। नाउ डी पार्ट, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 9.2 × 0.0 ऑफ, अब इसको करेंगे
इसको दूसरे तरीके से एलसीएम लेके भी कर सकते थे, लेकिन अब हमने ये कर दिया है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 0.2143 इंटू ये 1, 6 1 6 2 0.5। अब आगे इनको सोल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आएगा 8.05, उसके बाद 0.00 आएगा जो कि डेसिमल में इंक्लूड हो गई है ऑफ। इनको ऐड करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, 7 + 3 10, 5 + 5 10, 8 + 1 9 + 1 10, 2 + 2 1 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब ये सारे जीरो हो गई तो इसको हम हटा सकते हैं। 5.5 × 0.5 ये वाला ब्रैकेट सोल्व हो गया, करली ब्रैकेट है। 8.05 ऑफ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 2 2.1375। अब इसमें अकॉर्डिंग टू ये डिपेंड करेगा, देखिए आप ये सोचते हैं कि ये आंसर गलत हो गया, 22 पॉइंट अगर मैं पीछे आंसर चेक करती हूं तो ये हमारे पास आंसर क्या दिया है, 22.14 दिया है। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, मैम आपने गलत सॉल्व कर दिया। भाई जब आपको ये लेना है, 2 डिजिट तक लेना है, तो ये वाली डिजिट हम चेक करेंगे जो कि मोर देन 5 है। अगर 4 मोर देन 4 होती है तो हम ये वाली डिजिट इंक्रीज कर देते हैं, ये 7 है तो ये वाली डिजिट इंक्रीज हो जाएगी, तो ये 1 4 हो गया। अदरवाइज ये आंसर भी ठीक है, क्यों, क्योंकि आंसर जो एग्जाम दोगे उसमें थोड़ी ना आपके पास आंसर होंगे, तो आप दोनों आंसर कर सकते हो इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ई पार्ट, पहले हमें ये चेंज करना होगा 5 पॉइंट, ये हमारे पास 666 ऐसे आएगा, 3 पॉइंट, ये हमारे पास रिपीट होता रहेगा ऑफ 3 पॉइंट, इसको कर लेते हैं कन्वर्ट। माइनस इसको करेंगे तो ये 4.5 माइनस 4.5, ये हमने कन्वर्ट कर लिए। इनमें हम क्या करते हैं, 2 डिजिट तक ले लेते हैं क्वेश्चन में, तो ये क्या होगा 5.6, ये 6 है तो ये वाला नंबर क्या आ जाएगा 7, एक इंक्रीज कर देते हैं अगर ये मोर देन 4 होता है तो, ये क्या होगा 3.83 हो जाएगा ऑफ, ये क्या होगा 3.63 हो जाएगा माइनस। अब इससे आंसर वेरी कर सकता है, पहले मैं आपको बोल रही हूं 4.5 ये एज इट इज, 13.7, 6.67 ले लिया ये मैंने, 1.5। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये ऐड कर लेते हैं, दोनों माइनस में है, ये आ जाएगा 4.0, तो 4.0 को आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, 7 - 3 = 4, 16 - 8 = 1 ऑफ 3.63 माइनस 4.5 माइनस 13.7
ये यहाँ पे साइन था माइनस, ये देखिए ऐसी मिस्टेक हो जाती है और बाद में फिर आंसर गलत हो जाता है, तो ये माइनस है। इसको करेंगे तो 2.67, 1.84 इंटू, अच्छा अभी हमें इंटू नहीं लगाना है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। इसको करेंगे यहां पे वन डिजिट है तो ये एक जीरो लगा लेते हैं। 10 माइनस 7 3 और 6 माइनस 6 0.11, ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। देन ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अब हम, अब यहां पे देखिए ये माइनस साइन है, यहां पे ये माइनस साइन आ गया, ये प्लस में ये माइनस में, ये वाला ग्रेटर यानी माइनस में यहां पे हमारे पास आएगा। अगर कोई साइन हमने छोड़ दिया हो तो पता नहीं, यहां पे जीरो कर लेते हैं। 6.53, ये माइनस में आएगा, ये चीज ध्यान रखिए क्योंकि ग्रेटर नंबर था। 1.84 ऑफ 3.63, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6.53। अब हमें ऑफ को सॉल्व करना है, ये हमारे पास आएगा 6.6792 प्लस 6.53। अब इसमें भी सेम वही आ गया तो 0 1 2 3 4 1 2, इसको ऐड करेंगे तो 9 2 0 2.13। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।